एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अरे नहीं नहीं, हम आपको गिनती नहीं पढ़ा रहे, हम तो मैसी के उस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं जिसे पाकर उन्होंने ना सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तीन कदम पीछे भी छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड बैलन डी ओर की, जिसे लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीतकर अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। मेसी ने मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर एर्लिंग हॉलैंड को पछाड़कर इस अवार्ड को हासिल किया है। बैलन डी ओर की खिताबी दौड़ में नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड दूसरे तो फ्रांस के किलियन एम्बापे तीसरे नंबर पर रहे। मेसी को ये पुरस्कार इंटर मियामी के मालिक और फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डेविड बेकहम ने दिया। मेसी ने बैलन डी ओर हासिल करने के बाद कहा, एक बार फिर ये पुरस्कार हासिल करना मेरे लिए सुखद अनुभव है। पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप जीतना मेरे लिए सपना पूरा होने जैसा था। 36 साल के स्टार फुटबॉलर मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने पिछले साल कतर में फीफा वर्ल्ड कप जीता था, जो मेसी का पहला वर्ल्ड कप टाइटल भी था। खास बात यह है कि मेसी को टक्कर देने वाले रोनाल्डो आज तक एक भी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम नहीं कर पाए हैं। बात करें सबसे ज़्यादा बैलन डी ओर हासिल करने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों की, तो लिस्ट में 5वें नंबर पर नीदरलैंड्स के मार्को वैन बॉस्टन हैं, जिन्होंने 3 बार ये खिताब हासिल किया है। मार्को ने क्रमशः 1988, 1989, 1992 में ये अवार्ड जीता है। लिस्ट में 4थे नंबर पर नीदरलैंड्स के ही जोहान क्रूफ हैं, उन्होंने 3 बार ये अवार्ड जीता। लिस्ट में 3रे नंबर पर फ्रांस के माइकल प्लाटिनी हैं, जिन्होंने इस अवार्ड को 3 बार हासिल किया है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने 5 बार इस अवार्ड पर कब्जा जमाया है। उन्होंने क्रमशः साल 2008, 2013, 2014, 2016 और 2017 में यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि सर्वाधिक 8 बार ये अवार्ड जीतकर लियोनेल मेसी टॉप पर है। मेसी ने क्रमशः साल 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 और 2023 में ये खिताब अपने नाम किया है। बैलन डी ओर फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, जो व्यक्तिगत तौर पर किसी खिलाड़ी को दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। विनर का सिलेक्शन वोटिंग के आधार पर होता है। मैच में फीफा रैंकिंग के टॉप 100 देश टॉप 5 खिलाड़ी चुनते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाले खिलाड़ी को यह अवार्ड दिया जाता है, जबकि विमेंस में टॉप 50 देश वोटिंग करते हैं। बैलन डी ओर की बात करें तो इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी, तब से लगातार ये मेंस फुटबॉलर को दिया जाता है, जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर को 2018 से बैलन डी ओर देने की परंपरा शुरू की गई थी। अब बात करते हैं मेसी और रोनाल्डो की। मेसी और रोनाल्डो के बीच अक्सर टक्कर देखने को मिलती है, चाहे फुटबॉल का मैदान हो या सोशल लाइफ। बात करें इंटरनेशनल गोल की, तो मेसी के नाम 106 इंटरनेशनल गोल हैं, जबकि रोनाल्डो ने 127 इंटरनेशनल गोल किए हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स की बात करें तो मेसी के इंस्टाग्राम पर 490 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जबकि रोनाल्डो को 610 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। और अगर संपत्ति की बात करें तो मेसी की नेटवर्थ 600 मिलियन डॉलर है, जबकि रोनाल्डो की नेटवर्थ 849 मिलियन डॉलर है। यानी मेसी बैलन डी ओर जीतने के मामले में भले ही रोनाल्डो से आगे निकल गए हों, लेकिन लोकप्रियता और नेटवर्थ के मामले में आज भी रोनाल्डो ही आगे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।